कोरोना के संकट में पूरा देश नहीं, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी लगातार कोशिशों में लगे हैं कि इस बीमारी से कैसे न कैसे बाहर निकला जाए। इन सबके बीच देश में सबसे सुरक्षित राज्य अगर कोई रहा तो वो रहा हिमाचल प्रदेश, जिसकी जानकारी खुद हिमाचल प्रदेश के DGP सीताराम जी ने दी। दरअसल क्योंकि उन्होंने बताया कि कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 7 मरीज अभी उपचाराधीन हैं, यानी सिर्फ 7 मरीजों को ही ठीक करना है। और इन सबसे भी बेहतर खबर हिमाचल प्रदेश की ये रही कि वहां पर पिछले कई दिनों से कोई भी केस कोरोना का आया नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि जयराम ठाकुर ने भी कहा कि जो लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए, सबका हमने टेस्ट करवाया और उसी वजह से ये जीत हमको मिली और उन सभी को हमने क्वारंटाइन भी किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने जो लोग बाहर से आए हुए थे उन सभी को जाने की व्यवस्था भी की है। इन सबके बीच कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। ये जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि हमने प्रदेश आयुर्वेद विभाग की ओर से तैयार किया गया आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार रोग प्रतिरोधक आयुर्वेदिक काढ़ा विमोचन इसका हमने किया है। कोरोना से बचाव हेतु इस काढ़े को आप जरूर अवश्य अपनाएं। आप भी देखिए इस वीडियो को।